हिमाचल प्रदेश अध्यापक संघर्ष मोर्चा की अहम बैठक बिलासपुर में जिला कांगड़ा अध्यक्ष अरुण कानगो की अध्यक्षता में संपन्न हुई। ये बैठक दो मुद्दों पर रखी गई, जिनमें अनुबंध से नियमित अध्यापक जिन्हें अलग अलग अंतराल में नियमित किया गया, जिस कारण वे वरिष्ठता के साथ साथ आर्थिक लाभों से वंचित हैं। प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण कुमार के अनुसार अनुबंध से नियमित अध्यापक लंबे समय से प्रताड़ित हो रहे हैं, ना तो उन्हें वरिष्ठता लाभ मिल रहा है और ना ही आर्थिक लाभ और ना ही बुढ़ापे में पेंशन। उन्होंने कहा कि कुछ अध्यापकों को तो पुराने R&P रूल होने के बावजूद भी अनुबंध काटना पड़ा और यही लोग आज सबसे ज्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं, जबकि नए RMP रूल 2008 में बने हैं, परंतु 2009 में जिनकी भर्ती का विज्ञापन निकला था उन्हें भी अनुबंध पर रखा गया है, जो कि घोर अन्याय है। साथ ही पुरानी पेंशन स्कीमों को लोगों के हित में पुनः लागू करना चाहिए, क्योंकि पहले अनुबंध पर प्रताड़ना, फिर बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाना, ये एक अन्याय है। दूसरी तरफ जिला कांगड़ा प्रधान अरुण कानगो व सुनीता वर्मा ने वरिष्ठता लाभों के लिए वकालत की और कहा कि अगर वरिष्ठता लाभ नहीं देने हैं तो कम से कम जिनसे ज्यादा समय अनुबंध पर लगाया है उन्हें नौकरी में एक्सटेंशन दी जाए। हम लोग अनुबंध से नियमित अध्यापक जो कि आज यहाँ पे पार्लियामेंट में इकट्ठा हुए हैं, हमारा मेन मुद्दा ये है कि हम वर्ष 2008-09 में लगे हैं और जिसे सरकार ने अनुबंध पॉलिसी है वो 2009 में लागू की है और हमारी जो एडवर्टीजमेंट निकली थी वो 2007 में निकली थी, उसके बाद हमारी अपॉइंटमेंट जो है वो थोड़ा अंतराल के अंतर की गई, जिसमें आर्ट्स की, उसके बाद नॉन मेडिकल, फिर मेडिकल की गई, परंतु हमें जो है वो अनुबंध के आधार पर रखा गया। हमारे जो साथी हैं वो सात साल जो है उन्होंने यहाँ पे अनुबंध लगाने के बाद वो रेगुलर हुए, उसके बाद भी 2 साल का हमारा प्रोबेशनरी पीरियड होने के बाद हमें 2017 में रेगुलर किया गया। सरकार जो है आज अभी भी PTA, पैरा, पैट और SMC अध्यापकों के बारे में सोच रही है, परंतु अनुबंध से जो नियमित अध्यापक हुए हैं, जो कि एक जो सरकार का प्रोसीजर उसके तहत नियमित हुए, उनको जो है सरकार आज भी नहीं पूछ रही है। हमने कई बार सरकार के पास मेमोरेंडम दिए, उनको हमने ये बताया कि हमारी ये समस्याएं हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा। दूसरा, हम लोग जो हैं वो ज्यादातर जितने भी पॉइंट है वो लगभग 38 से 40 साल के बीच में लगे और 7 साल का जो अनुबंध पीरियड लगाने के बाद हम 47 साल की एज में हम जाके रेगुलर हुए हैं, उसके बाद भी 2 साल का प्रोवेशनल पीरियड लगाने के बाद और आगे 5 साल का हमें जो है पीरियड जो है वो आगे प्रमोशन के लिए लगाया गया, तो हम जाके कहीं 55 साल की एज में जाके कहीं हम जो है वो प्रमोट होंगे और 58 साल एज में हम जो है रिटायर हो जाएंगे। तो सरकार से हमारा मेन एक यही है कि सरकार हमें जो है वो जब हम अपॉइंट हुए थे तब से हमें जो है रेगुलर अपॉइंट करे, क्योंकि हमारा जो विज्ञापन था वो रेगुलर का था और हमारी जो है वो डेट ऑफ रिटायरमेंट जो है, जैसे हमारी 58 साल है तो उसको बढ़ा के 60 साल करें ताकि उन लोगों को बेनिफिट मिल सके। इस मीटिंग का जो अहम मुद्दा है वो है अनुबंध समय के वरिष्ठता लाभों से, क्योंकि हम बहुत बार सरकार से भी समय लेने की कोशिश कर चुके हैं पर हमें समय नहीं मिलता हमें अपनी बात रखने के लिए। हम 2008, 2009, 2010, 2011 के जो अपॉइंटी हैं उन्हें अलग अलग अंतरालों में नियमित किया गया है, जिस कारण उनमें असमानता आई है और वो वरिष्ठता लाभों से पीछे चले गए हैं, आर्थिक लाभों से पीछे चले गए हैं। आज हमारी ये यहाँ पर बैठक हो रही है जिसमें कि हमारे 100 लोग कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं, एक ही मुद्दा है कि हमें बैकडेट से नियमित न किया जाए बल्कि वरिष्ठता लाभ दिए जाए। और सबसे बड़ी बात जो आज मैं आपके सामने कहना चाहूंगा कि जब हमारी 2008 में नियुक्तियां हुई थी तो हमारे जो विज्ञापन जो निकला था वो 2007 में निकला था, मेडिकल नॉन मेडिकल वालों का जो विज्ञापन निकला था वो निकला था 28/8/2008 को, जबकि जो अनुबंध समय के जो R&P रूल बने थे वो बने थे अक्टूबर 2009 को। तो हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं जब पुराने R&P रूल थे तो हमें क्यों अनुबंध पे रखा गया, जबकि 2002 की जो विवादित भर्तियां थी उन्हें भी जब उनकी नियुक्तियां हुई थी कोर्ट में जाने के बाद वो हुई थी 2010 के बाद, तो 2010 के बाद जब उनकी नियुक्तियां हुई तो उन्हें नियमित रखा गया नियुक्ति तिथि से, तो हाई कोर्ट ने भी यही कहा था कि ये R&P रूल जो बने हैं अनुबंध के वो बने हैं अक्टूबर 2009 को, तो 2002 की भर्तियों को नियुक्ति तिथि से नियमित किया जाए। वो